राजा श्रीवान बहुत समझाता लड़के पूर्णमल को के बेटे, अरे जिन्होंने भक्ति करी, जिन जिनके इस दुनिया में नाम हुए, और गलती तो उनने भी करी, के पिताजी ऐसे कौन हुए के मेरी बात छोड़ तू, के जिन्होंने हजारों वर्ष तक उस परमात्मा का भजन किया, लेकिन जब जरूरत पड़ी, जब शादी करनी पड़ी उनमें भी, कि पिताजी कौन थे वे, कि मेरी बात सुन कौन थे वे, राजा सुलेमान क्या कहता है क्या नहीं कहता। पहले नंबर पे उस कर्दम ऋषि का जिक्र करया कि बेटा कई हजारों साल उसने तपस्या करी, लेकिन जब जरूरत पड़ी उसने शादी करनी चाहिए। क्या कहा पहले नंबर पर जा रही Thank you.
पिता के हुक्म से वशिष्ठ जी ने पिता के हुक्म से वशिष्ठ जी ने आई काम करनी तलिया अरुथंती पति वर्ता स्त्री वचन की रतन की तलिया एक सौ एक बेचे पोतिया सुत गस्तया शरम पी तलिया शांति रूप श्रेष्ठ वचन करी काम क्रोध को पी तलिया शांति रूप संसार में घूमया
उसकी शर्त थी कि एक जरूर कार कोई स्त्री मिलेगी, नाम से नाम स्त्री देखती जरूर कारी। सारे संसार में घूम लिया लेकिन वैसा नाम कहीं मिला नहीं। एक नागर जिसका नाम दुरुत्कारी था उसके साथ में शादी करी उसने, उस परमात्मा का भजन करके एक एक स्त्री के रूप में उसको देखा और उसका औलाद पैदा हुई। जब उसके पितर प्रसन्न हुए क्या कहा चौथे नंबर पर क्या लिखा, भजन किया लेकिन वहां हस्तिनापुर में उस वंश को बढ़ाने वाला कोई नहीं हुआ। वो वंश क्यों कर चले, वो जन्म की बात याद करके उस मां ने फिर बुला लिया, फिर उसने वो हटकर वो वंश चला था। कौन था क्या कहा थी नंबर पर क्या लिखा, थानेदार जी 1000 रुपए पहले 100 रुपए और देते बार बार धन्यवाद है, क्या कहा था नंबर पर क्या लिखा। और सत्यवती के, और सत्यवती के उत्तर से, सत्यवती के उत्तर से प्यास होए व्यसन की किसी तरह चल नहीं हिला। जन्म की बात याद करके फिर माता ने दिया बुला, दुनिया की सब रीत होते अटक दिया कुरुवंश चला, दुनिया की रीत होते अटक दिया।